इस वीडियो में दो चार्ट अपलोड कर दिए हैं जो 3-4 गियर रेशो का है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर 1:1 का चार्ट भी हम अपलोड कर देंगे। दोस्तों, आप लोगों ने चार्ट तो देख लिया, अब इसका कैलकुलेशन भी आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि अगर चार्ट नहीं रहा तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये फार्मूला है इंच इंटू लीड स्क्रू, और ये थ्रेड है, और ये 3-4 जो है ये हमारा रेशो है। 5-8 का हमको कैलकुलेशन करना है। 5-8 5 जो है ये हमारा इंच है, और 8 जो है ये हमारा थ्रेड है। तो 5 इंच में 8 थ्रेड है, तो 5 × 4 किया तो ये 20 हो गया, और ये 8 है, ये डायरेक्ट रख दिया हमने। और ये 3-4 है, 3-4 × 3 3 कर दिया, दोनों बढ़ा दिया रकम। क्यों बढ़ाया आगे आपको समझ में आएगा। 3 × 3 9, 4 × 3 12 हो गया। तो ये जो 20 और ये 8 × 0 लगा दिया, इसको 200 कर दिया, इसको 80 कर दिया, ये दोनों को 90 और 120 कर दिया। इसको बढ़ाया इसलिए इसको काटना है, 200 का गियर है ये, नहीं तो ये कटेगा नहीं। तो इसको हमने 60 से हम काटते हैं, इसको हमने 60 से काटा, और ये 100 से आधा आधा कर दिया दोनों को। तो ये हो गया 100, ये हो गया 80, ये हो गया 90 और 60। ये हमारे 4 गियर हो गए। ये चीज़ इधर भी लिखा हुआ है मैंने, ये कटा 60 से, ये कटा 100 से, इसको हमने फिर काटा 50 से, और इसको हमने काटा 30 से। तो 50 80 90, ये 30, ये हमारे ने गियर हो गए। अब ये सही है या गलत, इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इनटू ये फार्मूला मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, फिर भी यहाँ लिख लेता हूँ। 1 यहाँ जो 3-4 जो हमारा रेशो है वो उल्टा लिखना है हमको, 4 3, और 1 1 इंच में 4 थ्रेड हमारा लीड स्क्रू है। ये कट गया, ये कटा, ये यहाँ कट गया, ये 3 3 9, और ये इसके साथ कटा, ये कट गया, ये कट गया, बचा 5-8। तो ये हमारा 5-8 का थ्रेड हो गया। ठीक है दोस्तों, तो कैलकुलेशन तो हमने बता दिया आप लोगों को, अब इसके अलावा 1 3 4 का भी कैलकुलेशन आपको बताएगा, ताकि ज़रूरी अगर देख लेना उसे, खाली जल्दबाजी में सब छोड़ो मत, चार्ट नहीं रहा तो मुश्किलें आएगी आपको। ओके दोस्तों, अब 1 3 4 का कैलकुलेशन करेंगे। 7 4 हो जाता है, जो 4 4 1 4 और 3 7, ये 7 और ये 4 7 4 हो गया। तो 7 4 ही लिख दिया, × 4, ये 4 लीड स्क्रू है, 7 4 20 8, और ये 4 इधर लिख दिया। और 3 3 4 जो है ये रेशो है, 3 × 3 9 और 4 × 3 12 हो गया। अब 28 को और ये 4 को ये 9 9 और 12 को सर 0 लगा के ये हो गया। अब इसको हम कट कर देते हैं, ये 60 थे, ये 140, ये 70, ये 30। तो गियर हो गया 70 40 90 और 30। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। ये हुआ 60, ये हुआ 140, ये हुआ 30, ये हुआ 70, ये 20, ये 45। तो ये हो गया 70 20 45 30।
तो ये दो मिल गए आप लोगों को। इसके अंदर तीसरा भी ले लेते हैं, ये 60, ये 140, ओके, ये 20, ये 70, तो 70, 20, 90, 60, तो ये एक, ये दो, ये तीन, तो आप हर तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि जवाब सही है या नहीं। 20 इसको लिख रहे हैं, 90, 60, 14 लेडीज क्रो और 43 रेशो है हमारे, ये चार से ये चार कट रहे हैं, ये कटा, ये तीन किया 9, ये 3 2 6, ये 0, ये 0, ये 2 2 4 और 7 4 हो गया हमारा, तो ये 7 4 ये हो गया हमारा, आ गया हमारा 3D। दोस्तों इसका भी हम गियर आपको 3D गियर बता देंगे।